नीचे का कैमरा प्रीव्यू। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संदीप शर्मा आज आपके लिए लाया हूँ एक स्मार्ट कैमरा, लिटिल क्यूट सा कैमरा। देख रहे हैं आप इसको, तो ये इस तरह का कैमरा है, दिस इज स्मार्ट कैमरा। तो अभी सबसे बड़ी बात ये टॉकिंग है, हमारे लिए एक्सेसिबल है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो एकदम अब आपको मैं बताऊँ ये किस तरह का है। तो देखिए, सबसे पहले गोल बना हुआ है पूरा राउंड, लेफ्ट एंड की तरफ यहाँ स्पीकर है इसके, और राइट के एंड की तरफ घुमाए तो यहाँ मेमोरी कार्ड आपको देखिए नज़दीक से, यहाँ ये मेमोरी कार्ड स्लॉट है, मेमोरी कार्ड डलता है। और बैक इसके तो अभी आपको बताते हैं इसमें। हाँ, बैक देखिए, तो इसमें पहली पावर की पिन है, दूसरा जो है बटन है एक रिस्टोर का, दो ही ऑप्शन है। तो अभी इसको कनेक्ट करते हैं, हम चालू करते हैं इसको। तो पीछे केबल में इसके लगा दिया, ये लाइट ऑन हो गई इसकी, ये आवाज़ करेगा। सिस्टम इंस्टॉलिंग, अभी कनेक्ट हो रहा है ये। अभी बोलेगा, अभी थोड़ा सा और तो ये एक्सेस पॉइंट एस्टैब्लिश्ड बोल रहा है कैमरा। तो अब हम ऐसा करते हैं, पेज तीन के तीन हमारे फोन में हमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, V380। तो वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, हालांकि मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखा है, देख लीजिए आपको मैं V380 ऑन हो गया ये। अभी इसके अंदर कुछ ऑप्शन है वो बता देता हूँ पहले आपको। एप्लीकेशन प्ले स्टोर से लिखेंगे V380। अब यहाँ ऊपर देखते हैं V300 phone number or mailbox. संपादन पासवर्ड चेक नहीं। Forgot that. Quick log local login. बटन हमें लोकल लॉगिन पे क्लिक करना है, बाकी कहीं क्लिक नहीं करना है, बाकी कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, सिर्फ लोकल लॉगिन पे डबल टैप करना है। अब ये मेरा जो कैमरा है इसमें कॉन्फ़िगर्ड है, तो मैं इसको एक बार हटा कर वापस कॉन्फ़िगर करके बताता हूँ। Yes, deleted successfully. अब वापस खोलते हैं ऐप को। तो वापस जैसे हम खोलेंगे ऐप को, इंटरनेट और ये लोकल लॉगिन पे फिर मैं क्लिक करता हूँ, लोकल लॉगिन। अब यहाँ ऊपर मोर का ऑप्शन, यहाँ पर ऐड नेटवर्क डिवाइस मैन्युअली ऐड डिवाइस आईडी, तो अब प्लीज एंटर डिवाइस आईडी। अब यहाँ से कैमरे को हमें कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले जब आप कैमरा खरीदते हैं तो इसके अंदर पासवर्ड अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप भूल जाते हैं गलती से, तो पीछे जो बटन दे रखा है उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे कैमरे वाले को, वो बोलेगा रिस्टोर सेटिंग, तो वो रिस्टोर हो जाएगी सारी सेटिंग। तो चलिए अब हम कनेक्ट करते हैं इसको। सबसे पहले प्लीज एंटर डिवाइस आईडी, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। तो अब बार कोड जो है यहाँ से इसके नीचे एक आईडी दे रखी है, तो वो हमें स्कैन करनी है इससे कैमरे से, देखते हैं। डालने के बाद ये कॉन्फ़िगर हो गया। हमको इसकी जो यूजर नेम है एडमिन इसके अंदर ऑटोमेटिक आता है, तो वही रखना है, और पासवर्ड अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। हमारा जो है ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 30,570,558 connecting. अब इस पर डबल टैप करता हूँ मैं, ये देखिए
प्रीसेट पोजीशन। हमारा कनेक्ट हो गया ये कैमरा। तो अब जैसे ही मैं इस पर हाथ लगाऊंगा, देखिए आपको हाथ मेरा दिखाई दे रहा होगा। इसको इधर की तरफ कर देते हैं कैमरे को। अब ये जो कैमरा है इसके अंदर अब जो बटन है वो बता देता हूँ आपको, इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। चलिए बटन, ये देखिए मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो ये डबल गूंज रहा है क्योंकि फोन का भी तो माइक काम कर रहा है। बटन बंद कर देते हैं। चलिए इसको अब देखिए इसके अंदर बटन, प्रीसेट पोजीशन, प्रीसेट पोजीशन बटन, पीटीजी। तो अब क्या है, पीटीजी को क्लिक कर देते हैं ये बटन को। बटन। अब यहाँ पर चार बटन बन गए हैं, बटन लेफ्ट राइट अप डाउन। तो ये कैमरे को दरअसल घुमाने के लिए है, ये जो कैमरा आपके सामने जो है इसको घुमाने के लिए है। अब इसको मैं घुमाता हूँ, देखिए बटन, ये देखिए पूरा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है कमरे का। अब इसको वापस लेफ्ट की तरफ लेते हैं, ये देखिए कैमरा घूम रहा है, ठीक है। अभी इसको मैं ऊपर की नीचे की तरफ करता हूँ, ये देखिए नीचे की तरफ चला गया कैमरा, ऊपर की तरफ करता हूँ मैं इसको, ये देखिए ये ऊपर की तरफ। तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं ऊपर नीचे की तरफ। और इसके बाद अब क्या करना है अपन को, अब इसके बाद ये तो हो गया इसका कैमरे का सिस्टम। अब इसके बाद हम और इसमें कुछ करते हैं, क्योंकि आपको मेरा चेहरा दिखाई दे रहा होगा कैमरे में हल्का हल्का, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब अब आप चलिए आगे अपन इसमें कुछ करते हैं। बाकी इसको बैक कर देते हैं यहाँ से। अब इसके अंदर कुछ और सेटिंग है वो आपको बताते हैं। नो बटन, इसके अंदर और कुछ ऑप्शन है जो बताए थे, बटन इन्वर्जन है, कॉल टू टॉक बात करने के लिए, रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने के लिए, कार्ड होगा तो ही रिकॉर्ड करेगा ये ध्यान रखिएगा। अब यस अब एड न्यू इक्विपमेंट, एड न्यू प्लेबैक, प्लेबैक जो भी रिकॉर्डिंग की वो प्ले यहाँ से मोबाइल से सुन सकते हैं आप। एड न्यू इक्विपमेंट, रिकॉन्फिगर। तो सबसे पहले नेटवर्क सेटिंग, लोडिंग नेटवर्क सेटिंग में आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। नेटवर्क सेटिंग में सबसे पहले आपको जो इसका देखिए करंट मोड कोलन एपी। तो अब इसमें क्या है कि आपके घर के जो जियो है या डोंगल कोई भी हो, डोंगल जियो नहीं कोई भी हो चाहे, तो घर पे जो वाईफाई राउटर है उससे इसको कनेक्ट कर लीजिए कैमरे को। अब कैमरे के अंदर चूंकि कनेक्ट सिस्टम नहीं है कि पासवर्ड कैमरे के अंदर, तो कोई कीबोर्ड लगता नहीं, तो अब हमें मोबाइल से यहाँ पर ये मोबाइल में ही दिखाया अब MV30 दिखा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर नीचे अपने डोंगल का पासवर्ड लगा दीजिए और ये नीचे सेव कर दीजिए। तो अब आपका कैमरा कन्फिगर हो जाएगा आपके राउटर डोंगल से, वाईफाई डोंगल से। तो उससे क्या होगा कि आप अगर कहीं बाहर भी गए हैं, कहीं दूसरे शहर में, तो अपने घर की गतिविधि का जायजा देख और सुन पाएंगे। इसके बाद रिकॉर्डिंग सेटिंग देख लेते हैं क्या क्या है। रिकॉर्डिंग सेटिंग ऑटो रिकॉर्ड, और सबसे पहले डिस्क स्पेस साइज 29.80 GB, रिमेनिंग डिस्क स्पेस 29.06 GB। ये जो साइज हमें बता रहा है ये हमारे फोन का कार्ड नहीं है, बल्कि जो कैमरे के अंदर मैंने 32 GB का कार्ड डाल रखा है उसकी स्टोरेज और उसके बारे में बता रहा है। सारा ये उसका सिस्टम है। ऑटो रिकॉर्ड, ऑटो रिकॉर्ड ऑन कर रखा है, चेक नहीं की। अलार्म वीडियो, ये अलार्म वीडियो कब ऑटोमेटिक, किस समय आप टाइम डाल दें तो उस समय वीडियो ऑटोमेटिक आपका कैमरा जो फोन है उसमें ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, अलार्म बजेगा आपके फोन में और ये शुरू हो जाएगा। चेक नहीं किया गया चेक बॉक्स, वीडियो एंड ऑडियो, चेक नहीं किया गया चेक बॉक्स, वीडियो और ऑडियो। तो बिल्कुल वीडियो और ऑडियो दोनों आने चाहिए। तो इसको चेक नहीं, चेक वीडियो रेजोल्यूशन, वीडियो रेजोल्यूशन चेक किया गया, HD रेडियो बटन चेक नहीं किया गया, SD रेडियो बटन, फॉर्मेट डिवाइस SD कार्ड बटन, फॉर्मेट डिवाइस SD कार्ड मतलब कैमरा जो आपका ये है इसका आप SD कार्ड भी मतलब
एसडी कार्ड फॉर्मेट कर सकते हैं इस डिवाइस का, और ये सेव बटन फॉर्मेट पर क्लिक करके सेव कर दीजिए तो फॉर्मेट होना शुरू हो जाएगा कार्ड, ठीक है। इसके बाद अलार्म सेटिंग, ये अलार्म एक कैमरे के अंदर अलार्म बजने लगेगा इसको दबाते ही। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट, चेक नहीं चेक अलार्म ऑन सेव, ये देखिए सेविंग सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन चेंज सक्सेसफुल, ये बोलने लग गया रिकॉर्ड डेट एंड टाइम अलार्म्स, इसको हम बंद कर देते हैं, चेक सेव कॉन्फ़िगरेशन चेंज सक्सेसफुल, अलार्म बंद हो गया। अलार्म सेटिंग स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिक आईपी एड्रेस से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डिवाइस अपग्रेड बाकी वापस जाएं बटन, add new equipment more में क्या देख लेते हैं, app notification photo area selection जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले एरिया मांगता है, तो हमें साउथ एशिया इंडिया करना है इसको। ऑपरेशन गाइडेंस किस तरह से इस्तेमाल करना है इसको, सॉफ्टवेयर पासवर्ड अबाउट बस और कुछ नहीं इसमें। तो इतना सा ये इसका रिव्यू है, तो आशा है आपको कन्फर्म अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, कैमरे का लुक एक बार आप फिर से देख सकते हैं। पेज 2 के 3, पेज 1 के 3, डिफ़ॉल्ट पेज, पीछे का कैमरा प्रीव्यू। एक बार कैमरा फिर से देख लीजिए, तो ये इस तरह का कैमरा है। आशा है आपको हमारा आज का ऑडियो बहुत पसंद, वापस वीडियो दोनों पसंद आए होंगे, तो ज़रूर बताइएगा अपनी राय हमें। धन्यवाद। BTN stop.